गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ शॉर्ट स्टोरी पेन पॉल्स, रिटन बाय श्रीनिवास राव, हु हैज ब्यूटीफुली शेयर्ड हिज ओन एक्सपीरियंस इन दिस स्टोरी। पेन पॉल मीन्स होता है पत्र मित्र या पत्र द्वारा किसी से मित्रवत व्यवहार करना। यहाँ पे लेखक ने अपने ही पर्सनल अनुभव को आपके साथ शेयर किया है, जो कि उसने कई सालों तक पत्र व्यवहार चलता रहा, जहां पर राइटर के मन में एलिस एच के लिए रोमांस की फीलिंग थी। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि जब वो एक स्टूडेंट था तब वो यंग लेडी थी। वो सब उसे तब पता चला जब एलिस एच मर चुकी थी। लेट्स रीड अबाउट हर। हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस। राइटर कह रहा है कि कभी कभी छोटे से चीज को प्रारंभ किया जाता है और वो बड़े बड़े अनुभवों का सबक बन जाती है। दिस ट्रूथ वॉज रिवील्ड टू मी इन अ लेसन ऑफ लाइफ दैट टुक 20 ईयर्स टू अनफोल्ड। और ये सच्चाई मेरे सामने जब एक सबक बनकर आई जब 20 साल बीत चुके थे। इट बिगेन वन मॉर्निंग व्हेन आई 21 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट। ये इसका शुरुआत एक सुबह हुआ जब मैं 21 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट था। केम अक्रॉस अ पेज इन अ पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन। मैंने बॉम्बे मैगजीन के एक पेज को खोला। दैट प्रिंटेड एड्रेसेज ऑफ यंग पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें युवा लोगों के एड्रेस प्रिंट थे पूरी दुनिया के। हु सॉट पेन पॉल्स इन इंडिया, जो भारत से पत्र मित्र व्यवहार करना चाहते हैं। आई हैड सीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ माई ओन क्लास रिसीविंग फैट एयर मेल इनवेलप्स फ्रॉम अनसीन फॉक्स। मैंने देखा था अपने कॉलेज के लड़के और लड़कियों को बहुत बड़े बड़े एयर मेल्स को रिसीव करते हुए, जो कि अपरिचित लोगों से उनके पास आते थे। इट वॉज द रेज ऑफ द डे। रेज मतलब होता है फैशन, ये उस समय का चलन था। वाई शुड नॉट आई ऑल्सो ट्राई। तो उसके मन में भी एक उत्सुकता जागरूक हुई, जैसा कि युवा पीढ़ी में होता है, कि क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करूं। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलिस एच इन लॉस एंजल्स। इसलिए मैंने भी एक एड्रेस को लिया जो कि एलिस एच का था, जो लॉस एंजल्स में रहती थी। एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, और एक बहुत ही महंगा राइटिंग पैड खरीद लाया। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी अ क्लू टू अ वुमेन्स हार्ट। एक मेरे क्लास की लड़की ने औरतों के हृदय के बारे में बताया था, हिंट दी थी। When she confessed, जब उसने स्वीकार किया that she loved reading letters in pink sheet, कि उसे पिंक सीट के लेटर पैड पर या लेटर्स पढ़ना अच्छा लगता है। Yes, I too, इसलिए मैंने भी वैसा ही किया। Must address Alice on a pink sheet। मैंने डिसाइड किया कि मैं भी पिंक सीट पर ही एलिस को लिखूंगा। डियर पेन पॉल, उसने पत्र लिखना शुरू किया। आई बिगिन एज नर्वस एज अ स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम। और मैं उतना ही नर्वस था या उतना ही घबराहट थी मेरे मन में, जैसे कि एक स्टूडेंट अपना पहला कॉलेज एग्जाम अटेम्प्ट करता है। देयर वॉज नॉट मच टू से, मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली, मेरी कलम बहुत धीरे धीरे चल रही थी। When it did at all, जब ये खत्म हो गया लेटर लिखना, ड्रॉपिंग द लेटर इन टू द पोस्ट बॉक्स, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको पोस्ट बॉक्स पे ड्रॉप कर दूंगा। आई फेल्ट एज इफ आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट। और जब मैं लेटर बॉक्स में उसे पोस्ट करने गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं अपने शत्रुओं की बुलेट्स का सामना कर रहा हूँ। The reply from far away California came sooner than I expected. मैं जैसी आशा करता था उससे पहले ही कैलिफोर्निया से मेरे लिए उत्तर आ गया। और उत्तर में क्या लिखा था?
आई वंडर हाउ माई एड्रेस गॉट इन टू द पेन पॉल्स कॉलम इन योर कंट्री। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यह जानकर के कि मेरा पत्र मित्र वाले एड्रेस में कॉलम में एड्रेस कैसे आ गया तुम्हारे देश के लिए। मोर सो बिकॉज क्योंकि आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने कभी मित्र की बारे में नहीं चाहा। एलिस रोट, एलिस ने लिखा, बट इट इज सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन एंड अनहियर्ड ऑफ, एनी वे यू वॉन्ट मी एज अ पेन पॉल एंड हियर आई एम। उसने कहा कि मुझे सुनकर अच्छा लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जो ना सुना हुआ हो ना देखा हुआ हो और वो मुझसे पत्र मित्र का व्यवहार करना चाहता, इसलिए मैं तुमसे पत्र मित्र व्यवहार करने को तैयार हूँ। आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट, और मुझे भी नहीं पता कि मैंने उस छोटे से पत्र को कितनी बार पढ़ा। It had all the music of life, और यही जीवन का सबसे बड़ा संगीत था मेरे लिए उस समय। And I felt, और मैंने ऐसा महसूस किया, I was in seventh heaven, कि मैं सातवें आसमान पर हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। I was careful in my correspondence, मैं अपने पत्र व्यवहार पर बहुत सावधान था। And wrote nothing that might upset an unknown American girl, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं लिखा जो अमेरिकन गर्ल जो अपरिचित है उसको गुस्सा कर दे। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, एलिस को स्वाभाविक रूप से इंग्लिश आती थी। वेयर इज, वहीं पर, फॉर मी, मेरे लिए, इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द का कारण था। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल इवन साई, मैं बहुत भावुक भी था और शर्मिला भी था। In my words, मेरे शब्दों में, and phrases में, but hidden somewhere in the corner of my heart was a sense of romance that I dared not express Alice. मैंने मेरे मन में या मेरे दिल के किसी कोने में उसके मन लिए रोमांस की भावना उदय हो गई थी, और जिसे जाहिर करने की मेरी कभी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं एलिस के बारे में एलिस से उसके बारे में कुछ कहता। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस लॉन्ग हैंड, एलिस लंबे लंबे पत्र लिखती थी, येट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, और अपने बारे में बहुत कम लिखती थी। Big envelopes containing books, magazines, as well as small keepsakes came my way across thousands of miles. बड़े बड़े envelopes आते थे लिफाफे मेरे लिए जिसमें magazines, books वगैरह रखी रहती थी, और यादगार के लिए उपहार वगैरह भी रखे रहते। keepsakes मतलब होता है उपहार, presents. I had no doubt, मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, that Alice was an affluent American and that she was a beautiful as gracious gifts that and that our pen friendship was a success. अब मुझे कोई संदेह नहीं था कि जितने सुंदर उसके गिफ्ट थे उतने ही सुंदर वो भी होगी, क्योंकि वो अमेरिकन थी, और इस तरीके से हमारा सफल पत्र मित्र व्यवहार चल गया। However, one question kept hammering at my brain. हैवरिंग मतलब होता है हथौड़ा मारना, यहाँ पे कोई चीज को चुभना। एक प्रश्न मेरे मन में या मेरे दिमाग में बार बार उठ रहा था, इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क अ गर्ल हर एज, कि ये असभ्य होगा या ये असभ्यता होगी कि किसी लड़की से उसकी उम्र के बारे में पूछा जाए। बट वेयर इज द हार्म इफ आई आस्क्ड फॉर हर पिक्चर, कि मैं उसकी कोई तस्वीर मांग लूं। सो आई रोट द रिक्वेस्ट एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई, मैंने इसलिए ये प्रार्थना डाली और उत्तर आया। एलिस सेड सिंपली, साधारण रूप से एलिस ने कहा, दैट सी हैड नो पिक्चर जस्ट देन, उस समय उसके पास कोई तस्वीर नहीं, बट दैट सी माइट सेंड मी वन समडे, मुझे वो किसी दिन एक तस्वीर जरूर भेजेगी। सी एडेड दैट An average American girl was more chic than she. उसने ये भी बताया कि एक अमेरिकन लड़की उतनी सुंदर होगी जितनी कि वो एक अमेरिकन गर्ल जितनी आकर्षक होगी उतनी ही वो भी है। Was this a game of hide and seek? Oh, these famine wiles.
वो कहता है कि क्या ये लुका छुपी का खेल है, ये औरतों की आदतें या चालें। Years rolled, सालों बीत गए। By my correspondence with Alice became less excited, उससे पत्र मित्र का व्यवहार थोड़ा सा कम रुचिकर हो गया, more irregular और regular नहीं रह गया, but not extreme, लेकिन विलिप्त नहीं हुआ। I kept sending get well messages whenever she felt ill, जब वो बीमार होती थी तो उसकी ठीक होने की शुभकामनाओं के साथ मैं उसे मैसेजेस भेज देता था, क्रिसमस कार्ड्स भेजता था, एंड इन माय ओन हम्बल वे रैंडम गिफ्ट्स, और कभी कभी अपने तरीके से मैं उसे उपहार भी भेज देता था। मीनवाइल आई बिकेम अ मैन ऑफ वर्ल्ड, मैं एक सांसारिक व्यक्ति बन गया, ग्रो ओल्डर बड़ा हो गया, गॉट अ जॉब एक नौकरी लग गई, अ वाइफ एक पत्नी, एंड चिल्ड्रन बच्चे हो गए। I showed Alice's letters to my wife. मैंने एलिस के पत्र अपनी पत्नी को दिखाए। The thought of meeting Alice was always there, for me and for my family too. अब एलिस से मिलने की चाहत मेरे मन में भी थी और मेरे परिवार में भी थी। Then one day I received a large packet that bore new, unmistakably feminine handwriting, जिसमें अपरिचित औरत की हैंडराइटिंग थी। इट केम बाय एयरमेल, जो एयरमेल से आया था, फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, पुरानी अमेरिका से, फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, एलिस का होम टाउन था। हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड, मैंने सोचा कि ये नया पत्र मित्र कौन है। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य हुआ, एज आई अनरैप्ड द पैकेज, जब मैंने उस लिफाफे को खोला। इट कंटेन्ड अ फ्यू मैगजीन्स एंड अ शॉर्ट नोट, ये कुछ मैगजीन्स इसमें रखी हुई थी और एक छोटा सा पत्र था। एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस, एलिस के एक प्रमुख मित्र के द्वारा, whom you knew so well, जिसे तुम अच्छी तरीके से जानते थे। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मैं बहुत अफसोस जाहिर करते हूँ आपको बताते हुए, दैट सी डाइड इन कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, पिछले संडे वो कार एक्सीडेंट में मर गई। वाइल रिटर्निंग होम, जब वो वापस आ रही थी घर फ्रॉम चर्च से, विद अ फ्यू परचेजेस, कुछ खरीदारी के साथ। बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी होने के कारण, सी वॉज 78 लास्ट अप्रैल, पिछले अप्रैल 78 साल की हुई है। सी कुड नॉट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वो तेजी से आती हुई कार को नहीं देख सकी। एलिस वुड ऑफन टेल मी हाउ हैप्पी सी वॉज हियरिंग फ्रॉम यू, वो कितनी खुश थी तुम्हारे साथ पत्र मित्र व्यवहार के बाद। अलोन बर्ड, अकेली चिड़िया, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने वाली, वॉज अ पैशन, उसका एक जुनून था, टू हर बोथ सीन एंड अनसीन, फॉर एंड नियर, चाहे दूर हो चाहे पास हो, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, सभी की मदद करना उसका एक जुनून था। द राइटर कंक्लूडेड विद अ रिक्वेस्ट दैट आई एक्सेप्ट द इनक्लोज्ड फोटोग्राफ ऑफ एलिस, और उसके बाद में उसने देखा कि एलिस की जो रिक्वेस्ट की थी फोटो की, हु हैड वॉन्टेड इट सेंड टू मी ओनली आफ्टर हर डेथ, जो चाहती थी कि उसका फोटो उसके मरने के बाद ही भेजा जाए। इट इज अ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन, बहुत सुंदर चेहरा और करुणा भरा हुआ। इट इज अ फेस आई वुड हैव चेरिश इवन वेन आई वॉज अ साई कॉलेज बॉय एंड सी वॉज ऑलरेडी ओल्ड, और मैंने ये महसूस किया जब मैं एक शर्मिला नवयुवक था, उस समय वो परफेक्ट लेडी थी, युवा लेडी। दिस फिनिशेस योर स्टोरी, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू स्टोरी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।